भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपद की गाथा और कथा वर्ग नंबर 5 गाथा नंबर 11। आइए सुनते हैं बुद्ध की ये कथा और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन, कथा के गहरे अर्थ जानने का एक प्रयास। तोलवे भाग के बराबर नहीं। जम्बुक आजीविक की कथा। स्थान राजगृह वेणुवन। सावस्थी नगर में एक श्रेष्ठी के घर में एक विचित्र आदतों वाले एक बालक का जन्म हुआ। वह बिस्तर पर नहीं सोता था, भूमि पर वैसे ही लेट जाता था और खाद्य पदार्थ चावल आदि को खाने की जगह वो मल को भोज्य के रूप में ग्रहण करता था। उसके माँ बाप ने उसे आजीविकों के पास भेज दिया। आजीविक नंगे रहने वाले साधु संप्रदाय का नाम था। इसकी ऐसी विचित्र आदतों के कारण उसका नाम जम्बुक पड़ गया। लोग उसे जम्बुक आजीविक कहकर पुकारते थे। जम्बुक आजीवक मनुष्य द्वारा उत्सर्जित मल का भोजन रात्रि में करता था और दिन को एक पैर पर मुंह खुला करके खड़ा हो जाता था। लोग उससे पूछते थे वह ऐसा क्यों कर रहा है, तो वह लोगों को कहता कि वह भोजन नहीं करता, वह हवा पर जिंदा है। एक पैर पर खड़े होने के कारण बताता कि दोनों पैरों के बीच में पैरों पर खड़ा रहने से पृथ्वी पर बोझ बढ़ता है, इसलिए वह एक पैर पर खड़ा रहता है। लोग उसे खाने के लिए देते तो वह मना करता और उसे नहीं खाता, परंतु जब लोग उससे बार बार विनती करते तो उसने उसाग्र जितना लेकर खा लेता और लोगों को कहता कि इससे तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। इस प्रकार आजीवक 55 वर्ष तक मल खाता रहा, वह नंगा रहता रहा। महाकारुणिक तथागत ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि जम्बुत्व अहर तत्व को प्राप्त हो सकता है, अतः वे उधर चल दिए जहाँ जम्बुक रहता था। भगवान के पहुंचने पर रात्रि के पहले और दूसरे और तीसरे पहर में चतुर महाराजिक देव शुक्र और महाब्रह्मा भगवान बुद्ध की स्तुति करने आए। इन तीनों ही अवसरों पर वन प्रकाशमान हो गया था। जम्बुक ने इन तीनों अवसरों पर कांतिमय आभा को देखा था। अस्तु वह घूमता हुआ वहां पहुंचा जहाँ भगवान बुद्ध विहरते थे। तब उसे बताया गया कि देव इंद्र और महाब्रह्मा के आने से वन प्रकाशमय हुआ था। तो जम्बुक बहुत ही प्रभावित हुआ और उसने भगवान बुद्ध की स्तुति की और बोला, हे दिव्य पुरुष, आप निश्चय ही अद्भुत हैं, जिनकी देव इंद्र और महाब्रह्म स्तुति करते हैं। मैं 55 वर्षों से तपस्या रत हूँ, सिर्फ हवा पर जिंदा हूँ, एक पैर पर खड़ा हूँ, फिर भी कोई देव इंद्र और महाब्रह्मा मेरे पास नहीं आया। भगवान ने कहा, जम्बुक तुम और लोगों को तो धोखा दे सकते हो पर मुझसे वंचना में नहीं रख सकते। मैं जानती हूँ पिछले 55 वर्षों से तुम मल खा रहे हो और भूमि पर सो रहे हो। बुद्ध ने उसे आगे बताया कि पूर्व जन्म में कश्यप बुद्ध के समय में इसने एक थेर उपासक के घर भिक्षा लेने से कैसे रोका था और कैसे उसने भोजन को फेंक दिया था। यह इसी बड़े कर्म का फल है कि उसे इस जन्म में मल खाना पड़ रहा है और भूमि पर सोना पड़ रहा है। यह सब सुनते ही जम्बुक भगवान के चरणों में गिर पड़ा और भगवान की शरण में आ गया। वह भिक्षु बन गया। भगवान ने अपना धर्म परिचय जारी करते हुए बताया कि मूर्ख व्यक्ति एक एक महीने बाद कुश के अग्र भाग के बराबर भोजन करे तो भी वह धर्मज्ञों के 16वें भाग के मूल्य के बराबर नहीं है। अर्थात यदि मूर्ख महीने महीने भर कुश की नोक से भोजन करे तो भी धर्म के जानकारों के 16वें भाग के बराबर भी नहीं हो सकता। और फिर यह गाथा कही, मासे मासे कुसक गने बोल बालो भुज जेत भोजनम नासो सखा धमनम कलम अघति तोलसी। यदि मूर्ख महीने महीने भर कुश की नोक से भोजन करे तो भी वह धर्म के जानकारों के 16वें भाग के बराबर नहीं हो सकता। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ जी नीलम जी, आप बताइए जरा। इसका थोड़ा शॉर्ट में बताइए पहले, ये ना थोड़ा हर्षा जी को भी समझ में आ जाता है हिंदी। हाँ जी हाँ जी, शॉर्ट में ये बताया कि एक सावो था, व्यक्ति था, उसके घर में एक बच्चे ने जन्म दिया। बच्चा अजीब सा था, वो जमीन पे सोता था और जब थोड़ा बड़ा हुआ तो एक पैर पे खड़ा होके वो तपस्या करता था और दाल चावल नहीं खाता था, आटा रोटी नहीं खाता था।
वो मल खाता था और उसकी अपने को वो सोचता था कि वो बहुत बड़ी तपस्या कर रहा है। तो इस तरह से उसका जीवन चलता रहा। तो उसके बाद महात्मा बुद्ध को लगा कि ये व्यक्ति है ना, ये ऊपर पहुंच सकता है, ये मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। तो जहां वो बैठा, उसका नाम, उसके माता पिता ने उसको एक ट्राइब को दे दिया और वो ट्राइब नंगे रहते थे और उस इसीलिए उसका भी नाम उसी ट्राइब के नाम से हो गया, जम्बुक का नाम हो गया। तो वहां पे महात्मा बुद्ध को पता लगा कि ये व्यक्ति ऊपर पहुंच मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। तो महात्मा बुद्ध उसकी तलाश में, जहाँ वो तपस्या करता था, सो कॉल तपस्या, वहां गए उसके पास। तो वहां पे बहुत रोशनी हुई, उनके आने से पहले बहुत रोशनी हुई और उसके बाद उन्होंने उसको मिले तो वो बोला कि मैं तो इतनी तपस्या करता हूँ, मेरे पीछे तो कोई रोशनी करने वाले नहीं आते, तो आपके पास रोशनी करने वाले कैसे आते। तो उन्होंने कहा तूने पिछले जन्म में एक व्यक्ति को दीक्षा लेने भिक्षा लेने के लिए रोका था और खाने की थाली को फेंक दिया था, इसलिए तुझे इस जन्म में ये कर्म मिला है कि तू जमीन पे सोता है और मल खाता है, तो तू दूसरों को धोखा दे सकता, मुझे धोखा नहीं मिलता। तो इस प्रकार उसकी आंखें खुलती हैं, वो प्रभु के चरण में आता है और फिर उसको ज्ञान प्राप्त होता है। तो उसको महात्मा बुद्ध कहते हैं, तो अपने को बहुत समझता है, अगर तू महीने में एक बार जरा सा कण के करीब खाएगा तब भी तू ये जो ज्ञानवान लोग हैं उनके बराबर नहीं पहुंच सकता, सोल में भाग के बराबर भी नहीं पहुंच सकता। तो ये सारी कथा है, तो वही घूम फिर के वही जन्म मरण की बात आ जाती है कि पिछले जन्म में आप जो करते हो उसका आपको फल इस बारी भुगतना पड़ता है और आप लाख तपस्या कर लो, आपको उसका, जब तक आपको किसी सिद्ध पुरुष की शरण में नहीं जाओगे, आपको मोक्ष की प्राप्ति या ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसका सार यही है, सारे का मतलब यही आ रहा है कि जन्म मरण का हमको अवेयर होके काम करना है, क्योंकि पिछले जन्म का हमको इस जन्म में जरूर, पिछले पिछले उससे पिछले उससे पिछले कभी कभी हमको हिसाब चुकाना पड़ता। हाँ, बहुत ही बड़ा सरल और वैसे सीधे शब्दों में बताती हैं आप, बहुत ही सुंदर बताए। हाँ जी हर्षा जी, आप बताइए। हाँ जी, ये तो बहुत, नीलम जी ने पूरा सार इतना अच्छा से समझा दिया है, क्यों तो स्वाभाविक है कि आप कितने भी तपस्या करें पर यदि आपको सही चेतना में आपको कोई दर्शन, खुद का भी सही चेतना भी आप स्थापित नहीं करते अपने आप को, तो कुछ फायदा नहीं है। वो बाहरी कितना भी आप कर लो उससे कुछ प्राप्ति नहीं होती है, अंदर की शुद्धि होनी चाहिए। और जब ये जैसे बोलते बुद्धा की कृपा हुई उसका ऊपर में, तो उसको ये हुआ अनुभव कि बुद्धा के पास सब ज्योतिष लोग देवलोक सब आते थे, तो उन मैंने ज्योति स्वरूप जो भी आत्माएं हैं सब, तो उनको बहुत ही जैसे ख्याल आया कि मेरे पास कोई नहीं आया, मैं इतना तपस्या कर रहा हूं। तो सही बात है, जो बाहर से हम लोग लगते हैं कि जो इतने साधु संत जो भी बोलते इतना ये करते वो करते कर्म कांड करते, पर अंदर के खोखले रहते हैं, तो उससे हम लोग को ये स्टोरी से तो यही सीखना पड़ता है कि खोखलापन से हम लोग को दूर रहना चाहिए, नॉर्मल जिंदगी जियो, पर अंदर की जिंदगी जो है वो समर्पित, बाहर का भी अंदर में समर्पित होकर जीना, बाहर का और अंदर का एक्चुअली अलग ही नहीं रहा, अभी दोनों एक ही हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, आप जो बोलते हैं ना पूरा एक हो जाना। तो ये गीता में यज्ञ के बारे में तो कितने सब अच्छे अच्छे बातें की है, तो ये भी एक जो है बुद्धा का स्टोरीज जो है वो एक यज्ञ तरीके ही हो जा रहे हैं हम लोग की लाइफ में समर्पित भाव से। तो बहुत डीप है ये, बहुत डीप स्टोरी है ये, क्योंकि आडंबर में पूरा दुनिया फंसी हुई है और हम लोग भी कभी उसके बहकावे में आ जाते हैं, पर थोड़ा फिर पीठ हट कर देखते तो मालूम पड़ता है कि ये सब जो दिखता है वो इतना डीप नहीं है, वो भी ख्याल आ जाता है। तो जागृता में हम लोग का बहुत अच्छी ये स्टोरी सब बहुत अच्छी तरह के जागृता में हम लोग को जागृतता की तरफ ले जा रहे हैं, अपनी अंदर की कमियां को भी हम लोग को महसूस कराते हैं।
अंदर बाहर एक ही नहीं रह जाता, यही आध्यात्मिकता है कि अंदर बाहर रह नहीं जाता कुछ भी। दृश्य जब तक डिफरेंस है तो तब तक ही हमारे मन में वो मन जो चीजें उठा रहे हैं मन का परेशानी वही चलती बस। हाँ yes. अनामिका आप बोलिए। इस कहानी में वही समझ में आया कि जो जम्बुक था वो मतलब थोड़ी देर टाइम बाद अपनी मतलब जो कमी थी उसको छुपा कर झूठ बोलने लगा कि आप मतलब अगर ऐसे करो तो पुण्य मिलेगा। और फिर जैसे मतलब भगवान जब आए तो उन्होंने वही बोला कि आप मेरे सामने अपनी कमियां नहीं छुपा सकते हो, और मतलब आप कितना ही मतलब तुम आडंबर करो लेकिन तुम उस ज्ञान तक मतलब नहीं पहुंच सकते हो, ऐसे मतलब मुझे समझ में आ रहा है जो मतलब। हाँ ये ठीक है बिल्कुल, ये वैसे तो ये नीलम जी ने बिल्कुल ही प्रॉपर उसमें बता दिया, हर्षा जी ने वैसे ही बिल्कुल उसको सपोर्ट करते हुए बताया। ये मेरे हिसाब से भी मेरे हिसाब से बिल्कुल नीलम जी वाले वर्ड्स ही बोल रही हूँ मैं दोबारा रिपीट। लेकिन इसमें जो इसके चक्षु थे ना जो उसको दिखाई दिया प्रकाश, तो प्रकाश भी उन्हीं लोगों को दिखता है जो खुद भी वैसे उस पे वो फिजिकल तपश्चर्या तो कर रहा था। फिजिकल से आप उसकी कहते हैं ना ये सोलवे भाग के बराबर भी आप नहीं पता कर सकते, तो फिजिकल तो चीज कुछ भी मैटर ही नहीं करती, हम शरीर को ही टॉर्चर कर रहे होते हैं। तो जैसे जो व्रत प्यास वगैरह भी जो लोग करते हैं ना तो वो भी इस कैटेगरी में नहीं आता। वो कहते हैं जब तक तुमने उसको जाना नहीं ना, जाना नहीं मतलब अपने आप को स्वयं को नहीं जाना और मन के हाथों की कैद रहे, तो आप कितनी भी तपश्चर्या कर लें तो आपका जो 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 भी कर्मिक अकाउंट है वो डिसॉल्व नहीं हो जाता आपका। तो वो डिसॉल्व नहीं होगा तो इससे बेटर आप ज्ञान का मतलब एकमात्र आप ज्ञान का कण भी यदि सुन लेते हैं तो कण यही सुनना है कि ये सब कुछ जो भी कुछ आ रहा है आज की डेट में वो कहीं ना कहीं मेरा करा हुआ ही मेरे सामने आ रहा है। तो बस ये चीज जब तक मनुष्य को रियलाइज नहीं होती ना तो तब तक वो उस पर आता नहीं ना, सही मार्ग पर नहीं आता बस। तो यही जो है अवेकनिंग होती है, आप दुनिया के प्रभाव में उसमें फंस जाते हैं तो वो बस वो फंसते ही काम हो जाता है आपका। तो अंदर बाहर की बाउंड्री जब तक रहती है तो उसमें वो रहता है, ओरिजिनल फेस पे ओरिजिनल उस पे रहिए ओरिजिनल उसमें। लेकिन ये आभा भी सिर्फ दिखती उसी को ही है जो जो वहाँ तक उस तक पहुँचा होता है उसके अंदर, जैसे वो शरीर की यातना भुगत कर और वो उस पे प्योरिटी वाला लेवल उसका आ गया होगा तभी दिखे आपको। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जो आसपास का दिखाते हैं ना कि उनके जो है देव वो करने आए थे तो ये दिखता उन्हीं को ही है, लेकिन जो प्योर लेवल पर बैठे हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध ने उसको बोला था कि वो अर्हत्व को प्राप्त हो सकता है, ये चीज़ बुद्ध को पता थी ना, जैसे एक बस लास्ट मोमेंट ही बाकी था उसका बताने के लिए, ये चीज़ है इसमें। तो तब तक तो मैटर ही नहीं करती कुछ भी, जो व्रत प्यास वगैरह जो हम करते हैं ना तो वो सब चीज़ें कुछ भी मैटर ही नहीं करती किसी भी तरीके की। ये साधनाएं होती है ना, जो साधना मतलब होता है साधना, बस आत्मा के लेवल पर साध रहे हो तो ठीक है, बस शरीर भाव से हटना। हाँ जी, और चलो अभी तो टाइम है तो कम्युनिकेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। फिर वेनसडे का मैसेज अनामिका या तो आप डाल दो या कोई डाल दो, एक मैसेज डाल देना कि वेनसडे होगा सेशन, बस अब इसमें ग्रुप में डाल देना मैसेज, ठीक है? कौन डालेगा? आप डाल दोगी अनामिका? आप डाल देना। मोना भी बड़ा अच्छा बोलती है। हाँ नहीं, मोना तो अभी मैरिज में गई हुई है। अच्छा तो सभी अच्छा है। क्या होता है कि वो ये ग्रुप में मजा ही जब आता है कि सबकी कमेंट्स होती है ना, तो उसमें जो जिस उसमें रह रहा होता है। आपने ना कल भी बहुत अच्छा बोला था नीलम जी, आपने ये जो बोला था ना कि कल कि जो जिस परिस्थिति में रह रहा है तो वो आप उसको वैसे एक्सेप्ट करें, परिस्थिति में रह रहा है तो वो उसको उतनी ही समझ आएगी चीज, तो उसको जो है अपने आप समझने का मौका दें। तो वो जैसे एक डॉक्टर के प्रोफेशन पे आप रह रही है ना तो आप फिजिकल तौर पे भी अटेंड करती होंगी ना ऐसे वाले लोगों को, तो वो बिल्कुल वो बात ना आध्यात्मिकता पर भी ये लागू होती है। जैसे अब हम ये सुनते हैं करते हैं ना तो ये बस अभी ऊपरी तौर पे रहेंगे, लेकिन वो जब हमारी परिस्थिति आएंगी ना तो वो एकदम जैसे बीज स्प्राउट हो जाता है वो चीज़, यही है बस बार बार। वैसे तो हम लोग तो खैर वो स्टेज सारी क्रॉस कर चुके कुछ बोलोगे और बोलो सब एक एक करके, फिर दोबारा बोलते हैं, 5 मिनट चलाते हैं इसको भी। हाँ जी अनामिका आप बोलो।
लीव हो गई थी सरिता जी, तो मैंने सुना नहीं। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, हर्षा बोल लेंगी, हर्षा के पास तो बहुत नॉलेज है। नहीं नॉलेज तो नहीं है। पर ये जो आपने जो कहा ना, ये जो बाहरी तपस्या जो जैन लोक में मैं काफी देखती हूँ ना, तो मेरी फ्रेंड्स काफी लोग जैन में है, तभी उन लोग को भी ऐसा ही लगता है कि जैसे बाल छोटे में लोग संन्यास ले लेते हैं या बच्चे लोग, तो कई लोग का तो संस्कार होता है कि वो बचपन में ही समझो ना कि त्याग देते हैं सब। पर कहाँ ना कहाँ कहीं ना कहीं अभी इन लोगों को भी एहसास होता है कि ये पूर्ण साधना नहीं रहा, कि आप अपने आप को एकदम वो करो, शरीर को इतना वो करो, टॉर्चर करो, तो थोड़ा थोड़ा भी उन लोगों को भी ऐसे एहसास होता है कि ज्ञान का जो जैनिज्म का जो ज्ञान है ना उसमें महत्व कमती होते जा रहा है, और ये सब का थोड़ा जास्ती रिचुअल्स कि भाई हम लोग संसार छोड़ दो, हम लोग को ये छोड़ दो, वैराग्य आ जाता है, वो सही बात है, पर उससे दुनिया के कल्याण नहीं होते, आपका खुद का कल्याण खाली होता है, तो वो कल्याण जो दुनिया को सुंदर बनावे वो थोड़ा कमी लगती है। अभी कई जन का ये डिस्कशन चलता है कि भाई हम लोग को कौन सी साधना अपनानी चाहिए जहां हम लोग लोग के कल्याण का लिए कुछ करें, मींस मानसिक हेल्थ हेल्थ का लिए, मेंटल हेल्थ। कभी हर्षा जी उनका भी कल्याण नहीं होता उससे, उनका कल्याण इसलिए नहीं होता ना क्योंकि वो ना मन को मारते हैं एक संसारिक उसमें, जैसे अभी आपका पार्टीज में है उससे मन भरा नहीं, तो ये तो मेरे को इसमें ओशो की फिलॉसफी बहुत ज्यादा पसंद है। ओशो की फिलॉसफी ये हो गई कि जैसे आप जिस चीज के प्रति अपनी आंखें बंद कर रखेंगे ना, तो वो चीज क्रेविंग आपके अंदर बनी रहेगी, आप उसको पूरा कर लीजिए, क्योंकि ये धरती पर जो जन्म हुआ है उसको पूरा करने के लिए ना, मन जब तक पूरे में नहीं आएगा ना तो आत्मा भाव में जाएगा नहीं, वो पूर्णता ही आत्मा आत्मा है ना, पूर्ण आत्मा पूर्ण पूर्णता ही आत्मा है, तो मन मन अधूरेपन में जीता रहता है। तो ये जो टॉर्चर जो भारी तौर का जैसे कहते हैं ना, बाहर से तो रोक लिया इंद्रियों को लेकिन मन में तो वो चीजें चल रही हैं सब, तो मन को एक बार कर लीजिए आप पूरा। हाँ नीलम बोले, आप बोलो नीलम जी, आपने अनुरोध किया था। हाँ गलती से लग गया, मेन बात तो ये घूम घूम फिर के वही आ रही है कि जो करो अवेयरनेस से करो, निष्काम भाव से करो, लोक कल्याण की प्रवृत्ति को सोचते हुए करो, और ताकि आपको कुछ फल फल मिले ना मिले, पर वो एक सही डायरेक्शन यही है कि अवेयरनेस, निष्काम, शांति, अपने मन में संतुष्टि रख के, और लोक कल्याण बहुत जरूरी है। आपको सिर्फ अपने लिए नहीं जीना, इंसान अब यहाँ पे अपने लिए नहीं करने आया, किसी दूसरे का भी कभी ना कभी भला करने का सोचना, मुझे ये लगता है। जय श्री कृष्ण। हाँ लेकिन ये मेरी फिलॉसफी इस चीज में ऐसी है कि ये जैसे मैं आप कह रही है ना लोक कल्याण, मैं कहती हूँ अपना कल्याण, तो अपना कल्याण भी वो होता है जैसे कर्मिक अकाउंट हम कहते हैं ना कि दूसरे के उससे दूसरे का करा तो हमारा कुछ ऐसा अच्छा हो जाएगा, वो दूसरे का करना नहीं हुआ क्योंकि दूसरा वाला भाव ही खत्म हो जाता है, दूसरा कोई बचा नहीं, तो उस पे ना आपको ना तो क्रोध आता ना वैसा आता। लोक कल्याण वाली अवस्था ये होती है कि आपको दूसरा लगा नहीं तो आपसे आपसे कर्म अपने आप हो गया करने वाला, तो वो उसमें क्या होता है जब तक आपका मन अपना खुद का ही एक उसमें सेल्फ उसमें सेंटर्ड आप लाइफ जी रहे हैं, तो उसमें मन मन जो है पहले जैसे फैलना चाहता है, मन फैलना चाहता है, जब तक वो दूसरे वाला भाव उसका खत्म ही नहीं होगा, अपने अपने अंदर जो तत्व है वो ही सामने वाले को, जैसे अभी यदि मुझे ज्ञान नहीं हुआ ये चक्षु की सब में एक वही है चीज, लेकिन मैं ये तो सोचू ना कि यदि मेरे को ये डिजायर पैदा हो रही है तो सामने वाले में भी हो सकती है, तो उसको चीज को मैं एक्सक्यूज करके करूं, तो वो जो अपने अंदर की जो जागृति ये है कि कोई भी कर्म हम दूसरों के लिए तो कर ही नहीं सकते। अब जैसे इसने जो भी कुछ किया है, दूसरे बुद्ध की थाली को फेंका तो भुगतना तो इसको ही पड़ा ना, तो उसने दूसरे के साथ क्या किया, तो ये बेवकूफियां जो हम करते हैं वो हम दूसरा समझ के कर लेते हैं ना, और दूसरे का दूसरे के ऊपर तो कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा तो खत्म हो गया ना, मेरा तो मैंने तो अपना कर्म बना लिया, तो अपना ही भला करना है बेसिकली। लोक कल्याण का मतलब हो गया कि अपना ही भला करने में ही लोक कल्याण अपने आप हो जाएगा, तो ये ईगो ने, क्योंकि ईगो ईगो खड़ी हो जाती है ये, हम जब दूसरा करके करते हैं ना तो ईगो खड़ी हो जाती है बार बार, आप खुद भी नोट करके देखेंगे। अभी मुझे आपके लेवल तक पहुंचना है। नहीं नहीं पहुंचने की बात नहीं, जैसे ना देखो आप कभी नोट करके देखना कि आप जैसे दूसरे के भाव से कभी कुछ करोगे ना तो आपके अंदर रस बनेगा, रस बनेगा कि कुछ अच्छा हो गया आपसे, जैसे ऐसा हो गया तो मैंने हाँ मैंने करा
हाँ ये हो जाता है ना, तो ईगो खड़ी हो जाती है वो फिर वहां पर, तो ईगो जो खड़ी हो गई तो वो ईगो ही पाप हो जाती है बस, वो पाप है ना, अच्छा कर्म भी पाप हो जाता है वो, जो पाप मतलब उसको कहा जाता है कि क्योंकि बैगेज क्रिएट हो गया, अच्छा वाला बैगेज क्रिएट हो गया, वो अच्छा मिलेगा आपको तो उसके लिए भी आपको आना पड़ेगा वापिस, ये मतलब है अच्छा कर्म एक हाँ गया। कर्म खड़ा रह गया ना, वो अकाउंट अभी क्लियर नहीं हुआ, जीरो अकाउंट पे नहीं चला, तो जीरो अकाउंट पे जब चलता है जब हम एक ही भाव में करते हैं। हाँ समझ ठीक है, बस यही बोलना चाह रही थी, ये क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज ना होनी, बस इसी क्लैरिटी के लिए जब दूसरा मिट जाएगा ना तो बस हम हमारे और रमण महर्षि में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, ऐसा ऐसी वाली उस योगानंद वो थे ना जो वो भी गए थे रमण महर्षि, तो उनकी यही है, वो कह रहे हैं दूसरा मिट जाता है बस, तो दूसरा जब कोई रहता नहीं दिखता नहीं तो दूसरे का, तो दूसरे का दुख हमें ये नहीं लग रहा, हम कह रहे हैं मेरे ही कोई परेशानी हो रही है, मेरे मुझे ही परेशानी इतनी ज्यादा हो रही है देख के, तो मैं अपने आप ऑटोमेटिक, मेरे मन देख के दुखी हुआ कि मैं ऑटोमेटिक अपने आप ही कर रही हूँ, क्योंकि वो जैसे मेरे अपने शरीर पे लग गई कोई चीज ऐसे मतलब। हर्षा जी आप एक्सप्लेन करें इसको फिर खत्म करेंगे। जब मेरे बच्चे लोग कृष्णमूर्ति फाउंडेशन स्कूल में पढ़ रहे थे ना, जय कृष्णमूर्ति के स्कूल में दोनों बच्चे वहीं पढ़े हैं, तो गवर्नमेंट बहुत सारे ग्रांट देने को तैयार हो गई, तो कृष्ण जी ने बोला मुझे पैसा नहीं चाहिए क्योंकि यदि मैं पैसा लूंगा ना तो आपका दबाव बहुत पड़ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो देता है कुछ अपना होल्ड पाने के लिए इसमें, यू नो। तो उन्होंने बोला हमको कुछ ग्रांट्स नहीं चाहिए, मेरा अपने आप से जो चलेगा स्कूल जैसा चलेगा बट ऑन आर ओन फंड्स। तो इसमें उन्होंने इतना तटस्थ थे तो थोड़ा बहस भी होती थी कि क्या क्यों हम लोग नहीं ले सकते ग्रांट्स, तो बोलते नहीं आई डोंट वांट इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन माय स्कूल। हुआ ऐसे ही कि जब मेरा छोटा बेटा पढ़ रहा था तो फिरोज गांधी क्या इसका मेनका गांधी का लड़का वो आया उसमें, बिकॉज थ्रेट था थोड़ा स्कूल का बाहर में उसको पढ़ने का, हाँ वरुण, तो इतने सोल्जर्स सिक्योरिटी सब स्कूल में थे ना, तो बच्चे लोग घबरा जाते थे क्योंकि क्या है ये, कभी इतना वायलेंस, कृष्ण जी नॉन वायलेंस का बोलते थे, तो ये कैसे अलाउड हुआ, तभी तो वो थे नहीं तब के, पुल जयकर की लड़की वहां थी तो शी वॉज थी, तो सबने बहुत प्रोटेस्ट किया कि वी डोंट वॉन्ट दिस एटमोस्फियर इन द स्कूल। तो उसका बहुत एमिनिटीज आता था, वरुण गांधी मींस कितना सब चीज आ रहे थे, देन वी हैड टू टेल दैट वी कैन नॉट कीप हिम, वी कैन कीप हिम बट नॉट द सिक्योरिटी, सो ही वाज नॉट रेडी टू स्टे, तो फिर चले गए वो। पर ये जो जैसे बोलते ना कि कुछ भी चीज जो आप सोर्स से कौन से सोर्स से आती है उसका हम लोग को बहुत सुजागी रखना है। मुझे याद है कि जब मैं पढ़ती थी तब एक बहुत बड़ा अमीर आदमी आया था, give a blank check and said you write you know what you want, mother ko bola, mother bola I will just aank bola I will thank you but I will see think, mother ne do ghante ke baad wo bola wo check wapas de do, ye source tay sahi nahi hai ha, to it jahan source ka hum log ko hamesha question karna hai, mujhe aisa lagta hai koi bhi cheez ka, aur hum log ka khud ka bhi source ko question karna, jab bhi hum pradan karte kya hum kuch swarth ke liye karte hain या हमारे खुद का कुछ अच्छा पुण्य हो उसके स्वार्थ में हम करते हैं, ये करो तो तुम्हारा अच्छा होगा, इसको तो अपना स्वार्थ में भी बहुत सारा छुपी रहती है ख्याल, हमें ख्याल नहीं आती है, जब हम क्वेश्चन करते हैं तब ख्याल आता है कि कौन सी उसका ओरिजिन क्या है कोई भी एक्शन का, मेरा या बाहर का या कहाँ भी, तो माइंड अपने आप अलर्ट हो थोड़ा हो जाता है उसमें। ये वो था ना जैसे जो आपने जो वायलेंस और नॉन वायलेंस बोला, तो वो वायलेंस और नॉन वायलेंस यही है, हम जब भी वो दूसरे के भाव से जो भी कुछ किया ना हमने, चाहे बेशक किसी को चैरिटी में भी कुछ दिया लेकिन हमने अहंकार भाव से दिया, बॉडी आइडेंटिफिकेशन से दिया, तो वो भी वायलेंस है। yes. वायलेंस यहां तक जाना पड़ता है। yes. वो वायलेंस है। तो अब जैसे ये जो अर्जुन जैसे युद्ध ना करता, मैं उस तरीके से बता रही हूं कि जैसे युद्ध ना करता तो अर्जुन वायलेंस कर देता। yes. अब ये यदि किसी को समझ आ जाती है ना चीज, तो बस उसको फिर उसके बाद और कोई ज्ञान नहीं चाहिए। yes. क्योंकि उसने अर्जुन का ये जो आपने पॉइंट रेस किया वो बहुत सही है कि जो अपना धर्म जो सही लगता है, जैसे आप बोलते हैं ना गलत का प्रति आप आवाज नहीं उठाओ तो आप भी वायलेंस में आ गए ना। हाँ वायलेंस में आ गए ना, वायलेंस में आ गए। हाँ। आपके सामने कोई घटना घट रही है तो घट रही है, आप मौन बन के बैठे हैं तो वायलेंस में आ गए। हाँ मौन बन के बैठे हैं
हाँ, तो उसमें जो इंद्रियां थी आपकी, एक्ट करना बनता था उस समय, जो एक्ट नहीं, अब ये एक्टी एक्टी हाँ, ये गलत इतना कर्म में भी भागीदार हो गए ना, भागीदार गलत कर्म में आप भी पार्टिसिपेशन तो हमारा मौन बन के भी हो जाता है ना, पार्टिसिपेशन हो जाता है, पार्टिसिपेशन हो गया कि आप वो नहीं कर सकते ना, जैसे ये इसमें ना ये यस कर लीजिए कि जैसे आपका कोई बच्चा ही कोई परेशानी में है और आप नहीं एक्ट करा तो नहीं ऐसा नहीं होगा ना, बच्चा होगा तो आप फौरन उठेंगे तो उसमें वो भेद बुद्धि आ गई ना, तो वो आपके हार्मोन मतलब इतने वो क्यों नहीं हुए, इतने ठंडे कैसे पड़े रह गए, मतलब जैसे उसका था ना भीष्म पितामह और ये सब जो थे ज्ञानी लोग, द्रोणाचार्य, ये सब बैठे हुए में सभा में, और उसके बाद बात वो नहीं थी, वो तो जो द्रौपदी को जो सजा मिल रही थी तो द्रौपदी के अपने करने से मिल रही थी, अपना उसका कर्म था क्योंकि उसने पहले हंसी उड़ाई थी ऐसा बताते हैं शास्त्रों में, लेकिन जो बाकी जो बैठे रहे, हम कह देंगे ये द्रौपदी की वजह से मिल रहा है उसको, वो ये कहकर यदि मौन बने बैठे रह गए तो उस समय हमारा क्या एक्शन बनता है, बात ये है कहने की कि हमारा क्यों खून क्यों नहीं उबला उस समय जब इस तरीके की घटना कुछ घट रही थी, तो दूसरे ने yes. तो क्या किया है, उसको अपनी क्या सजा मिल रही है, मैटर वो नहीं है, मैटर वो आ जाता है मेरा अपना, इतनी इंडिविजुअल जर्नी है ये, बहुत इंडिविजुअल जर्नी है, सही बात है, तो ये बस ये यहाँ पे चेक होता है बस। चलिए बहुत सुंदर रहा लेकिन सेशन, चार लोग थे लेकिन फिर भी बहुत ही बढ़िया सेशन रहता है क्योंकि डिस्कशन बहुत अच्छा है, मतलब बढ़िया, और तो नहीं बोलना किसी को, नहीं तो खत्म करते हैं, और मैसेज डाल दीजिएगा नामिका जी जरूर, वेनेसडे को सेशन होगा। हाँ जी, आज मैं वॉक में जा रही थी ना, कल तो ये डिस्कशन हुआ, कोटा के ऊपर में बात आया, कोटा के कितने स्टूडेंट्स लोग सुसाइड करती है, तो ये जो इसमें पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल होंगे इनको गलत कोर्स में डालने का, ले खुद का एम्बिशन का ले, ये जो कोटा का जो इतना अभी आ जा रहा है, कितना स्टूडेंट्स लोग सुसाइड कर रहे हैं, क्यों हो रहा है, तो इसमें पेरेंट्स का भी थोड़ा हिस्सा होगा कि लोग प्रेशराइज करते स्टूडेंट्स को कि ये कोर्स आप लो ये करो, खुद किस बात का ले, क्या दोनों का ही होता है, जैसे ना उसमें फंसा पड़ा है ना, एक एक कोई खाई में फंसा पड़े हैं, दोनों फंसे पड़े हैं, बच्चा भी फंसा पड़ा है, मदर भी फादर भी फंसे पड़े हैं, एक एक वो है ना कि संसार की, तो उसमें जो हम प्रभावित हो जाते हैं ना संसार की, उससे उसके बच्चा वो बन गया, तो अब कई बार तो होता है जैसे बुद्ध जैसे थे, वो अपने अपने पेरेंट्स पे भी लात मार के निकल गए, एक तरीके से छोड़ दिया ना राज्य वज्य, तो उनकी चैतन्य लेवल उस तरीके का था, अब बच्चों का यदि नहीं है तो वो जो समाज की जो कंडीशनिंग होती है उसके दबाव में आ जाता है मनुष्य, अब कह दे कि मैं कम कमाऊंगा ज्यादा कमाऊंगा, तो वो भी अपना डिसीजन लेने लायक नहीं है ना, जैसे कहते हैं 5 साल तक किसी बच्चे को दोष नहीं लगता क्योंकि वो अभी उसके अंदर वो समझ पैदा ही नहीं हुई कि वो सही है गलत है, ये चीज की समझ नहीं है, ये पेरेंट्स उसको बताते हैं, कंडीशनिंग होती है, अब पेरेंट्स जागृति में नहीं थे, उस घर में जन्म हुआ तो उसके पुराने अकाउंट की वजह से हुआ जन्म, अब क्या है कि यदि उसके अंदर ये कोई अच्छे हमारे कर्म होते हैं ना, जैसे अब हम जुड़े आपस में तो ऐसा कोई कर्म होता है, तो कई बार क्या होता है हम अपनी सेल्फ नॉलेज की तरफ पर यदि निकल गए तो उसमें फिर पेरेंट्स का दबाव और समाज का जो दबाव होता है उसमें हम नहीं रहते फिर, तो उसमें एजुकेशन को जब हम फ्री माइंड से लेंगे ना तो हर चीज में सक्सेस हो जाती है, सक्सेसफुल आप होंगे ही होंगे, लेकिन आप मेंटल प्रेशर में जी रहे होते हो तो इसलिए जो आप करंट में कर रहे होते हो तो वो उसमें भी आप 100% नहीं कर पाते, क्योंकि मेंटल प्रेशर में पहले कंडीशनिंग पहले अपने पेरेंट्स की हो गई, फिर दूसरी समाज की कंडीशनिंग हो गई, तो कंडीशनिंग के नीचे नीचे और दब गया वो, ये होते हैं, ये होती है प्रॉब्लम, तो सेल्फ नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे हमारे मैं बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं हूँ हर्षा जी, जैसे ज्यादा नहीं पढ़ी, मतलब जैसे बीकॉम ऑनर्स वो मैथमेटिक्स ऑनर्स किया उसके बाद खत्म, स्टडी कर ली और फिर सऊदी में शादी हो गई चली गई वहां, अब लेकिन एक आत्मबल जो है ना शुरू से आया है क्योंकि वो मदर ने दिया हुआ, अब सारे यहाँ पर आप लोग ये नीलम जी तो डॉक्टर ही है मतलब बिल्कुल ही, और जैसे बिल्कुल सामने नहीं तो फेस थोड़ी ना कर सकता इंसान, एकदम एजुकेशन सब लोग होते हैं, तो अब इतनी एजुकेशन के बाद में कोई ऐसा प्रोफेशनल कोई क्वालिफिकेशन ली नहीं, कुछ नहीं किया, अब जैसे ये वाला जो इंसिडेंट हुआ तो इसमें भी मेरा माइंड हिल सकता था ना, लेकिन नहीं हिला ना, तो जो हो गया वो भी मैंने एक ना उसका करके दिया, इस चीज से भी मेरे को लेसन मिला कि एक अंध जैसे वो करके करा कि गीता ग्रुप से किसी का मैसेज आया तो एकदम भेज दिया, तो वो चीज मेरी भी अवेयरनेस में नहीं हुई, तो अवेयरनेस की कमी कहीं ना कहीं थी, तो ये चीज मेरी भी यात्रा चल रही है जैसे ऐसी, लेकिन मेरा माइंड कितना परेशान हुआ है नहीं हुआ ये चीज का मेरा इवेल्युएशन ये इस पे होता है कि मैं कितनी हिली या नहीं हिली उस पोजीशन में, सही बात है, ये सही बात है, इंसिडेंट तो घटेंगे ही घटेंगे, वो तो जैसे कर्मिक अकाउंट हमारे चलते हैं तो वो पुराने जो चल रहे हैं वो घटेंगे ही घटेंगे, उनको हम रोक नहीं सकते,
लेकिन हम मेंटल बैलेंस अपनी आत्मबल आत्मा भाव में कितना बैठे हैं मैटर वो करती है चीज। अभी भी सिचुएशन तो सारी आएंगी, सब कुछ देखना बाकी है अभी। बहुत 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 को देखते हुए आप कितने अनइजी हुए या इजी रहे तो वो मैटर करती है बस चीज। सही बात है। अपनी इजीनेस जिसने खो दी तो वो ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, बस यही अभ्यास करना पड़ता है। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर सेशन रहा। तो अनामिका जी जरा प्लीज आप मैसेज डाल दीजिएगा, वेडनेसडे को सेशन होगा। ओके जी, जय श्री कृष्ण। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।